गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम केटीजी पे जो हमने कल क्वेश्चंस कुछ लगाए थे उसमें ही थोड़ा मैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। केटीजी में मैं आपको बैरोमीटर पर कुछ एग्जांपल्स बता चुका हूं, तो अब कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हम कर लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा मैं लेवल इंक्रीज करने जा रहा हूँ, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है तो मैं सिर्फ यहां डेटा लिखूंगा, आपको समझाऊंगा कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल सेपरेटेड इन टू पार्ट्स, वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल सेपरेटेड इन टू पार्ट्स, वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल सेपरेटेड बाय टू पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन विच कैन मूव फ्रीली अलोंग द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज 90 सेंटीमीटर एंड the length of the cylinder is 90 cm and the piston divides the cylinder in the ratio of 5:4। ye piston is cylinder ko divide karta hai 5:4 ke ratio mein, to agar main 90 cm ko 5:4 ke ratio mein divide karta hu to mere paas jo partitions aayenge wo 90/5+4 yani 90 10 × 5, to mere paas aayenge 50 aur 40। इसी तरीके के दो पोर्शन मेरे पास आएंगे, मतलब ये एक पिस्टन इस सिलेंडर को इस रेशियो 5:4 रेशियो में डिवाइड करता है। अब उसने बोला है कि इसके दोनों ही पोर्शंस में गैस फिल्ड है, ये गैस कौन सी है देख लेते हैं। ईच ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द वेसल कंटेन 0.1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक कोई आइडियल गैस है जिसमें ऊपर और नीचे नंबर ऑफ मोल जो आपको दिया गया है वो 0.1 मोल है। क्लियर? ऊपर भी और नीचे भी, एंड नीचे कितना है 0.1, ऊपर भी 0.1। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 300 केल्विन, दोनों ही सेगमेंट में टेम्परेचर सेम है। और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द पिस्टन, अगर ये अरेंजमेंट इक्विलिब्रियम में है, इफ दिस अरेंजमेंट इज इन इक्विलिब्रियम देन कैलकुलेट द मास ऑफ द पिस्टन, लेट्स एज्यूम द मास ऑफ द पिस्टन इज एम। नाउ फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पिस्टन आई विल हैव टू से दैट द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस विच इज इन अपवर्ड चैम्बर विल बी इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस विच इज इन डाउनवर्ड चैम्बर। क्लियर? ऊपर से नीचे लगने वाला टोटल फोर्स गैस की वजह से प्लस इसका मास mg, तो मैं इसका एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूं, पिस्टन का यहां एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूं। एक तो ऊपर से नीचे की ओर वो फोर्स आएगा जो गैस लगाएगी, वो कितना होगा, गैस का प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो ए मान लेता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया ऑफ गैस नॉट सिलेंडर ऑफ द सिलेंडर, ये ए मान लिया मैंने। ऊपर वाले चैम्बर में जो गैस है उसका प्रेशर पी मान लिया मैंने, पीजी, और नीचे वाले चैंबर में जो गैस है उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा, वो मान लेता हूं पीजी डैश। अब नीचे से ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो आएगा पीजी ए डैश, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मुझे बोलना पड़ेगा एक ये वेट भी तो आएगा नीचे की ओर एम जी,
for the equilibrium of the piston. पिस्टन के इक्विलिब्रियम के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, मेरे को इक्वेशन लिखनी चाहिए कि पी जी ए नीचे की ओर नेट फोर्स प्लस एम जी विल बी इक्वल टू पी जी डैश इंटू ए, तभी तो ये रुका हुआ है, हाँ है ना। अब इस इक्वेशन को और आगे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यहां प्रेशर किस प्रकार से लिख सकते हो आप, मुझे एन पता है, टी पता है, वी क्या पता है मेरे को, अगर मैंने इस टोटल सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए माना है तो मैं ऊपर वाले वॉल्यूम और नीचे वाले वॉल्यूम पे कमेंट कर सकता हूं, 50 इंटू ए ये वॉल्यूम आएगा, 40 इंटू ए ये वॉल्यूम आएगा, तो ये यहां जो प्रेशर है और यहां जो प्रेशर है उसको किस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, पीजी यानी यहां प्रेशर, एन यहां मोल, आर टी अपॉन वॉल्यूम V up plus mg is equal to pg फिर से n r t by V downward वाला जो chamber है उसका volume into a, अगर मुझे mg की calculation करना है तो mg यहां से इसको हटा देते हैं, क्या आएगा एन आर टी ए वन बाय वी माइनस वन बाय वी लिख सकता हूं, क्लियर। ये वी अप ये वी डाउन लिखा हुआ है, थोड़ा आपको हो सकता है कि नीचे चला गया हो स्क्रीन से, तो ध्यान रखना ये वी अप ऊपर वाले चैंबर का वॉल्यूम, ये नीचे वाले चैंबर का वॉल्यूम, तो यहां से अब मैं यहां आ जाता हूं, एम जी बराबर नंबर ऑफ मोल 0.1, आर 8.314, टी 300 केल्विन, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैंने माना था ए इंटू वन बाई वी अपवर्ड चैम्बर का ऊपर वाले चैम्बर का वॉल्यूम, वो क्या आएगा 1/50 इंटू ए हाइट इंटू बेस एरिया। अब ये हाइट किस में है, सेंटीमीटर में, तो मुझे ये 10^-2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसलिए यहाँ 10^+2 आ जाएगा, समझे ना, ये सेंटीमीटर में है। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ इसके लिए कितना है 40 सेंटीमीटर 10^-2 ऊपर जाएगा प्लस इंटू ए, तो ये मेरे पास एम जी आया। तो एम की कैलकुलेशन के लिए मैं बोलूँगा कि यहां से 8.314 इंटू 3 इंटू 10^3 इस एक को यहां से काट देते हैं, 40 इधर 50 इधर, तो ये आएगा, मैंने क्या किया देख लेते हैं एक बार, ये इधर जाएगा तो अप बाद में आएगा, समझे ना, डाउन माइनस अप लिखना चाहिए मेरे को, इसमें थोड़ा मैं सही कर देता हूं, माइनस में ये इधर जाएगा तो 1/(-1/V)up आना चाहिए, तो ये थोड़ा मुझे चेंज करना चाहिए। अब ये आएगा 10/40×50, ये मेरे पास मास आ जाएगा केजी में, केजी में क्यों आएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज एसआई यूनिट में रखा हुआ है, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल, देखो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें फिर से एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ वॉल्यूम वी नॉट, सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ वॉल्यूम वी नॉट डिवाइड
divided into two parts of frictionless separator, divided into two parts by a frictionless separator. The walls of the tube are adiabatic, but the separator is conducting. Ideal gas are filled in two parts. When the separator is kept in the middle, the pressure are P1, P2 in the left and right part respectively. Starting में जो separator है वो mid में है और ये conducting separator है, मतलब इस separator के दोनों ओर temperature अलग अलग नहीं होगा, same होगा equilibrium की state में. ये दीवारें adiabatic हैं, का मतलब हीट ना तो अंदर जा सकती है ना अंदर से बाहर जा सकती है, ये कंडक्टिंग है. लेफ्ट में प्रेशर P1 और राइट में प्रेशर P2 है, आइडियल गैस इसमें भरी हुई है. क्लियर? व्हेन द सेपरेटर इज कैप्ड इन मिडिल द प्रेशर आर P1 P2 एज शोन इन द फिगर. द सेपरेटर इज स्लोली स्लाइड एंड इज रिलीज्ड एट अ पोजिशन वेयर इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम. यहां से इस सिस्टम को छोड़ दिया जाता है जिससे कि अब सेपरेटर स्लाइड करता है और एक ऐसी पोजीशन में अपने आप को पोजीशन करता है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है, क्योंकि प्रेशर अभी अलग अलग है तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा. जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर से ये दूसरी ओर सेपरेटर मूव करना स्टार्ट कर देगा. फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, ये मुझे बोलना चाहिए, फ्री टू मूव. क्लियर? फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द टू पार्ट्स, फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द टू पार्ट्स. स्टार्टिंग में ये मिड में है, बाद में जो वॉल्यूम्स आएंगे उनका वैल्यू क्या आएगा ये मेरे को कैलकुलेट करना है. क्लियर? देखो इसकी ये इनिशियल स्टेज है तो मैं अब फाइनल स्टेज इसकी ड्रॉ कर देता हूं. मान लेते हैं लेट्स एज्यूम P1 इज ग्रेटर देन P2, ये मान लेता हूं कि P1 बड़ा है. क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं उसने किसको बड़ा माना है, ये देखना जरूरी है अदरवाइज हमारा आंसर डिफर करेगा. उसने स्पेसिफाई किया या नहीं किया है? नहीं, उसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया तो हम मान सकते हैं. क्लियर? अपनी इच्छा अनुसार हम मान सकते हैं. मैंने माना P1 बड़ा है, अगर P1 बड़ा है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद ये इधर मूव करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये इधर मूव करेगा और मैं कह देता हूं कि फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट ये है. पिस्टन अपने आप को यहां एडजस्ट करता है हर टाइप का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर पहले से ही सेम आएगा, अब प्रेशर भी यहां सेम हो जाएगा. मान लेता हूं कि ये वॉल्यूम V1 और ये वॉल्यूम V2 है, पहले ये वॉल्यूम V0 और ये वॉल्यूम भी V0 होगा, इनिशियली ये दिया गया था. इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले किए हैं कुछ, इससे जस्ट पिछले लेक्चर में हमने कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन किए हैं तो इस पर भी कमेंट कर सकते हैं. देखो ये सेपरेटर इस गैस को दो पोर्शन में डिवाइड करता है, एक यहां एक यहां. क्लियर? अगर मुझे इस वॉल्यूम पे कमेंट करना है तो इस गैस के सेगमेंट को कंसिडर करता हूं, वो कहां से कहां आया, यहां से यहां आया, यहां से लेके ये यहां आया. अब अगर इसका वॉल्यूम बढ़ता है, अगर इसका अब वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक बढ़ता है तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए, एक तो प्रेशर चेंज होगा. क्लियर? घटेगा. अब ये एडियाबेटिक है और ये कंडक्टिंग है तो इससे हीट इसमें जा सकती है, इस स्टेट से हीट इसमें जा सकती है. पहले से कुछ टेम्परेचर चेंज होगा, एक्सपेंड होगा तो बेटा टेम्परेचर का भी संभव है, टेम्परेचर का फ्लो भी संभव है. लेकिन आप ये सोचो कि टेम्परेचर का फ्लो कब होता है, जब एक साइड टेम्परेचर बड़ा हो और दूसरी साइड टेम्परेचर कम हो. ये पहले से ही उसने बोला हुआ है कि कंडक्टिंग है, तो यानी यहां टेम्परेचर यहां टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या होगा, बराबर आएगा. इसका मतलब टेम्परेचर सेम होगा, यहां से लेके यहां तक आने में टेम्परेचर सेम होगा. तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इसका और इसका टेम्परेचर सेम, तो फाइनल यहां भी टेम्परेचर सेम, क्योंकि वो कंडक्टिंग है. तो अब मैं
इस सेगमेंट के चेंज पर इक्वेशन लिखता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आने में मुझे पता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा है ना, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ P1V1 बराबर P2V2 बॉयल्स लॉ से। अब P1 क्लियर, ये दिया हुआ है P1 इस स्टेट में, क्योंकि हर टाइप का इक्विलिब्रियम है तो मुझे ये भी बोलना चाहिए कि फाइनल जो प्रेशर आएगा इधर और इधर वो सेम आएगा, ये भी तो बोलूंगा मैं। यहां जो फाइनल प्रेशर आएगा पी फाइनल वो दोनों ही चैंबर में बराबर आएगा, तो ये पी फाइनल मुझे पता नहीं है, ये अननोन क्वांटिटी है। लिख देते हैं इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, फाइनल वॉल्यूम इसका बताना है मेरे को कितना है, फाइनल प्रेशर पता नहीं है लिख देता हूं पी फाइनल। अब मैंने ये बॉयल्स लॉ इस चेंज के लिए यूज किया तो इक्वेशन आएगी ये, फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे देता हूं। अब ये बॉयल्स लॉ इसके लिए यूज करता हूं, तो इसके लिए अगर यूज करूंगा तो P1 V1 कितना है P2 V1 कितना है V2 बराबर P2 V2, P2 कितना है P final, V2 कितना है V2, तो यानी बॉयल्स लॉ मैंने इस चेंज के लिए लिखा, क्लियर। अब इक्वेशन इसको नाम दे देता हूं बी, इक्वेशन ए सॉरी टू नाम देता हूं टू, इक्वेशन वन और टू से क्या बोला जा सकता है, इक्वेशन वन और टू से क्या बोला जा सकता है, हम इनको डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो P1 by P2 मेरे पास आएगा ये बाय ये और इधर V1 by V2 P final कट जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आया ये उन दोनों का रेशियो, दोनों वॉल्यूम्स इसका और इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा P1 by P2 V1 upon V2 बराबर P1 by P2। समझ में आई कहानी, क्लियर। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो क्या उस पर कमेंट कर सकते हैं आप, एब्सोल्यूट वैल्यू पर, एब्सोल्यूट वैल्यू पर कमेंट करने के लिए आपको टेम्परेचर देना चाहिए, वॉल्यूम देना चाहिए, और ये क्वांटिटीज मैंने मानी थी T0 V0, ये तो मैंने मानी थी, गिवन थोड़ी ना थी, तो इसका मतलब मैं रेशियो बता सकता हूँ, V1 by 2 मेरे पास आ चुका है, क्या है P1 by P2, क्लियर। ओके लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस वॉल्यूम इन एब्सोल्यूट फॉर्म देन वी हैव टू हैव अनदर इंफॉर्मेशन एंड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस चैम्बर इज वी नॉट, हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इस कंप्लीट चैम्बर का वॉल्यूम इनिशियली वी नॉट है, इसका मतलब जो मैंने ये V0 अलग अलग माना है ना, उसने 2V0 की वैल्यू V0 क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में ये गिवन है, तो यदि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू इनिशियल फॉर्मेट में कैलकुलेट करना चाहता हूं बिकॉज, यहां लिख देता हूं मैं बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन चैम्बर इज वी टोटल देन, तब मैं एब्सोल्यूट V1 या V2 कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे कि V1 प्लस V2 को क्या लिखा जा सकता है VT, क्लियर। और अब डेफिनेटली आप यहां से VT की फॉर्म में V1 V2 को कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे मैं डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन को किस से V2 से, यहां क्या आएगा V1 by V2 plus 1 VT by V2 आएगा ना, V2 से डिवाइड करता हूं तो V1 by V2 plus 1 बराबर VT by V2 आएगा, तो V1 by V2 क्या आएगा P1 by P2, तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी कि P1 by P2 plus 1 बराबर VT by V2, बताओ आई के बाद समझ में, क्लियर। या आप इसको V1 से डिवाइड कर दो तो यहां 1 आ जाएगा प्लस V2 by V1, वो क्या आ जाएगा P2 by P1, यहां पुट करोगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी, V2 से डिवाइड करोगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन से आप V2 कैलकुलेट कर सकते हो, किसके टर्म में PT के टर्म में, वो क्या आएगा यहां लिख देता हूं मैं,
वी टू, क्या आएगा वो आएगा पी वन प्लस पी टू बाय पी टू, फिर ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, तो हम बड़े आसानी से ये लिख सकते हैं कि पी टू इज इक्वल टू वी टोटल अपॉन पी वन प्लस पी टू, ये फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आया, क्या है रिजल्ट, पी टू वी टू, पी टू वी टोटल अपॉन पी वन प्लस पी टू। अन्यथा आप यहाँ भी, अगर आपको टोटल वॉल्यूम नहीं पता है तो यही फाइनल रिजल्ट है, क्वेश्चन में दिया गया है टोटल चैम्बर का वॉल्यूम, तो आंसर ही आएगा। अब मैं नेक्स्ट स्पेशल टाइप की एक प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहा हूँ, इसको आप एक आर्टिकल की तरह भी नोट कर सकते हैं और एक क्वेश्चन की तरह भी, एक एग्जाम्पल की तरह भी आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है। एटमोस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ कैसे वेरी करता है, यदि यह माना जाए कि यह अर्थ है, ये अर्थ है इस वाले आर्टिकल में, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो हाइट के साथ किस प्रकार से वेरी करता है। एक ऐसा मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला दीजिए जिसमें मैं हाइट के साथ एटमोस्फेरिक प्रेशर का रिलेशन लिख सकता हूं, क्लियर, वेरिएशन बता सकता हूं। अब इसके लिए मुझे कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी, वो क्या है कि मान लेते हैं ये अर्थ है, इसके ऊपर इस प्रकार से लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, चार और मैं ऊपर ही बना रहा हूं, नीचे भी होती है मैं ऊपर ही बना रहा हूं, ज्यादा समय व्यतीत ना हो इसलिए मैं ऊपर ही बना दे रहा हूं। अब ये चीज फील करेंगे कि मैंने इस फिगर को ड्रॉ करते हुए कुछ आपको दर्शाने की कोशिश की है, वो क्या है कि जब मैं अर्थ के सरफेस के बहुत ज्यादा करीब हूं तो मैंने आपको ये एटमॉस्फेयर ज्यादा डेंस दिखाया है, और जिस प्रकार से मैं दूर जा रहा हूं सरफेस से, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने डेंसिटी थोड़ा कम कर दी है, ये एक्चुअल में एयर है, समझे ना, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ का, तो सरफेस से ऊपर जाते जाते मैंने आपको डेंसिटी में कुछ वेरिएशन दिखाए हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, ध्यान से सुनेंगे आप। देखो हम एक लिक्विड को ट्यूब में भरते हैं, क्लियर, हम एक लिक्विड को ट्यूब में भरते हैं, जैसे मैंने बैरोमीटर में एक बताया था आपको टेस्ट ट्यूब, तो इसी प्रकार की एक टेस्ट ट्यूब है जिसकी हाइट एच है, उसमें मैंने लिक्विड फिल किया। अब जब मैं उसमें लिक्विड फिल करता हूं तो मैंने ये फील किया है कि जो नीचे वाला पोर्शन है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, हाइट ज्यादा होगी तो नीचे वाले पोर्शन पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, नीचे वाले पोर्शन पे, समझे ना, जो टेस्ट ट्यूब का नीचे वाला क्लोज्ड एंड है, जो क्लोज एंड है उस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप लिक्विड की हाइट बढ़ाते जाओगे, लिक्विड की हाइट बढ़ाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये समझाया था मैंने इससे लास्ट बैरोमीटर वाले आर्टिकल में आपको कि P बराबर क्या होता है, रो जी एच, एच बढ़ेगा, सिंपल सी फंडा है कि उसका मास बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्लियर। अब लिक्विड के केस में क्या होता है कि लिक्विड को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है, समझे ना, लिक्विड का वॉल्यूम आप अगर कंप्रेस करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते आप, लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लिजिबली चेंज आता है, क्लियर। तो इसका मतलब यह है कि जब मैं एक टेस्ट ट्यूब में लिक्विड फिल करता हूं तो उसकी डेंसिटी बॉटम से लेकर टॉप तक कांस्टेंट मानी जा सकती है, क्लियर, क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाले लिक्विड ने नीचे वाले लिक्विड की लेयर को दबा दिया है अब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऐसा होगा डेफिनेटली वो दबाएगी, लेकिन उस दबने की वजह से उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम नहीं हो पाता है, क्लियर, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, तो इसलिए हम लिक्विड कॉलम में थ्रू आउट डेंसिटी सेम मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से कंप्रेशन लिक्विड में नहीं होता है तो डेंसिटी यूनिफॉर्म मानी जा सकती है। लेकिन अगर यही चीज मैं आपको बोलता हूं कि एक टेस्ट ट्यूब में मैंने, टेस्ट ट्यूब 1 किलोमीटर लंबी है,
क्लियर, 1 किलोमीटर लेंथ की एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें मैंने गैस फिल कर दिया। अब गैस फिल करने के बाद इस हाइट के दौरान जो बॉटम वाला पोर्शन होगा उस पर और जो अपर वाला पोर्शन होगा, टॉप वाला पोर्शन होगा उस पर, अगर आप सोचेंगे तो डेंसिटी में वेरिएशन आप नेग्लिजिबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टेट गैस की स्टेट है और गैसेस स्टेट में यदि आप प्रेशर लगाओगे तो बड़े आसानी से गैस अपना स्टेट वॉल्यूम चेंज करती है, समझे ना, बड़े आसानी से वॉल्यूम चेंज होता है गैस में। तो गैस के केस में यदि आप थोड़ा सा भी प्रेशर में इंक्रीमेंट करते हो तो बड़ा वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है। इस वजह से एक वर्टिकल ट्यूब में यदि गैस फिल कर दिया जाए और लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो तो उस लेंथ के अलोंग आप डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं मान सकते हो, समझे ना। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर डेंसिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी टॉप मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो वही चीज मैंने यहां दर्शाने की कोशिश की है, यहां डेंसिटी ज्यादा होगी, ऊपर ज्यादा जाऊंगा तो डेंसिटी कम होगी। यहां डेंसिटी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है एटमॉस्फेयर का वो नीचे वाली लेयर्स को दबा रहा है, तो दबा रहा है तो वो लेयर आसानी से दब जाएंगी, करीब करीब आ जाएंगी, और करीब करीब आ जाएंगी तो बेटा उनकी डेंसिटी में ज्यादा दिखाऊंगा, इसलिए मैंने यहां ज्यादा दिखाया। तो अब मुझे ये बताना है कि यहां से एच हाइट पर प्रेशर क्या होगा। अब अगर लिक्विड की बात करें हाइट के साथ, अगर मैं लिक्विड की बात करता हूं तो हाइट के साथ वो सिंपल होता है कि मैंने यहां इस ग्लास में पानी फिल किया किस हाइट तक, एच हाइट तक, ये डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो बॉटम पर जो प्रेशर आता है इस हाइट की वजह से वो आता है रोजी एच, आता है नहीं आता है, ये प्रेशर आता है, समझ में आई कहानी। तो कुल मिला के मैं ये भी बोल सकता हूं आपको कि यदि यहां प्रेशर, यहां प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, और यहां प्रेशर एक पॉइंट नाम देता हूं ए, पी ए है, इस पॉइंट पर प्रेशर है पी ए, तो इस पॉइंट पर प्रेशर लिखा जाएगा रो जी एच प्लस ये प्रेशर पी नॉट। और यदि एटमॉस्फेयर नहीं है ऊपर, ये मैं आपको अलग नॉलेज दे रहा हूं, एफएम की नॉलेज दे रहा हूं, कि अगर लिक्विड भर देता हूं एच हाइट तक, यहां प्रेशर अगर पी नॉट है तो यहां ए पॉइंट पर एच डेप्थ नीचे जो प्रेशर आता है वो कितना आता है रो जी एच इस लिक्विड कॉलम की वजह से प्लस ऊपर वाला प्रेशर पी नोट। आई कहानी समझ में। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से प्रेशर लिखना चाहता हूं, समझ में आई बात, सिर्फ लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट आया वो लिखना चाहता हूं, यहां कितना था पी नोट, यहां से लेके यहां तक जाने में प्रेशर का इंक्रीमेंट हुआ, यानी एच की डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूं लिक्विड में तो प्रेशर में इंक्रीमेंट हुआ। तो यदि मैं ये देखना चाहता हूं कि एच हाइट के दौरान इंक्रीमेंट कितना हुआ तो मुझे लिखना चाहिए पी ए माइनस पी नॉट। पॉइंट ए तक यहां से आने के लिए जो प्रेशर इंक्रीमेंट हुआ, यहां से लेके यहां तक आने में जो प्रेशर इंक्रीमेंट हुआ वो ऐसे लिखूंगा मैं, इस पॉइंट का प्रेशर माइनस इस पॉइंट का प्रेशर पी ए माइनस पी नॉट, और ये किसके बराबर आया रो जी एच के, ये वैल्यू बराबर आती है, समझे, पी ए माइनस पी नॉट बराबर रो जी एच। इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि यदि डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो एच हाइट नीचे जाने पर जो इंक्रीमेंट होता है प्रेशर में इंक्रीमेंट वो रो जी एच होता है, क्लियर, कितना जाने पर एच हाइट नीचे जाने पर जी की डायरेक्शन में जाने पर, इस ग्रेविटी की वजह से ये प्रेशर एग्जिस्ट करता है। अगर ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो बेटा इस हाइट की वजह से कोई प्रेशर नहीं आएगा, ग्रेविटी हर इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को नीचे की ओर खींचती है, जिसका कंबाइंड इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि यहां प्रेशर इस कॉलम की वजह से आता है। तो एक्चुअल में कौन रोल प्ले कर रहा है, ग्रेविटी, समझ में आई बात, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है जिससे वो नीचे वाली लेयर को यहां दबा रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, यहां डेंसिटी नहीं बढ़ती, यहां डेंसिटी कॉन्स्टेंट है क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी है, उसमें वॉल्यूम में डिक्रीमेंट सिग्निफिकेंटली नहीं होता है, तो यहां डेंसिटी यूनिफॉर्म मान सकता हूं। तो कुल मिला के मुझे यहां ये बात पता चलती है कि एच डेप्थ में जाने पर प्रेशर में इंक्रीमेंट रो जी एच आता है, जहां रो क्या है उस एच हाइट के अलोंग डेंसिटी, उस एच हाइट के अलोंग डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लूड इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कॉन्स्टेंट जो होता है इंटू एच हाइट, क्लियर। तो अब यही फंडामेंटल चीज
यहां यूज करता हूं, यहां डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो मैं ये बेसिक प्रेशर इंक्रीमेंट की डेफिनेशन यहां अप्लाई करता हूं। मैं बोलता हूं कि यहां से एक्स हाइट ऊपर मान लेता हूं कि डेंसिटी रो एक्स है, समझे ना, इस इलाके में इस पोजीशन पर मैं मान लेता हूं कि ये छोटा सा एक एलिमेंट लिया मैंने dx और यहां डेंसिटी x हाइट पर रो x है और ये बहुत छोटा है, ये जो हाइट में मान रहा हूं ये नेग्लिजिबल हाइट है, डेट्रीमेंटल हाइट है, समझे ना, बहुत ही ज्यादा छोटी हाइट है, इसलिए इस हाइट के दौरान डेंसिटी कॉन्स्टेंट मानी जा सकती है क्योंकि मैंने बहुत छोटा लिया है, क्लियर। अब इसको हटा देता हूं मैं यहां से, क्लियर, ये मुझे समझाना जरूरी था, अदरवाइज ये चीज आपको समझ में ना आती, ये बेसिक चीज है। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन को मैं यहां अप्लाई करूंगा क्योंकि डेंसिटी यहां वेरिएबल है तो मुझे एक्स हाइट पर डेंसिटी माननी पड़ेगी, मान ली मैंने रो एक्स, लेट्स एज्यूम डेंसिटी एट हाइट x from the surface of earth is rho x, clear, तो so at this position मैं क्या लिख सकता हूं, इस पोजीशन पर मैं क्या लिख सकता हूं, PM इज इक्वल टू रो आर टी, लेट्स एज्यूम एयर इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस, ये मानना जरूरी है, एंड इट्स मीन मोलर मास इज एम, ये मानना जरूरी है, क्लियर, और साथ ही साथ में यह भी माना जाता है यहां कि जी हाइट के साथ वेरी नहीं कर रहा है, यह भी हम यहां मानते हैं, जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, लिख दूंगा मैं बाद में, क्लियर। अभी हम यहां कंसंट्रेट करते हैं इस इक्वेशन पे, तो इस स्टेट पे ये लिखा जा सकता है पीएम इज इक्वल टू रो आर टी एक्स पोजीशन पर, तो रो एक्स कितना आया, रो एक्स जो आएगा वो आएगा पीएम बाय आर टी, ये मेरी बात समझ में आती है कि एक्स पोजीशन पर डेंसिटी इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं, एक्स पोजीशन पर प्रेशर एम आर टी, एक्स पोजीशन पर प्रेशर। अब यहां से रब कर देते हैं, हर एक स्टेप बच्चों ध्यान से समझना, मैं क्या चीज मान रहा हूं और क्या मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, ये बड़ा ही फेमस आर्टिकल है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है थ्योरी में भी, क्लियर, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें, इससे जो फाइनल इक्वेशन आएगी उस पे वो क्वेश्चन पुट करता है। यहां नाउ एट दिस एक्स हाइट प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस डीएक्स, dx के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस किस प्रकार से लिखा जाएगा, अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं तो क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है प्रेशर में, और नीचे से ऊपर जाता हूं तो डिक्रीमेंट होता है प्रेशर में, तो यानी यहां से लेके अगर मैं यहां जाता हूं, यहां से लेके यहां तक जाता हूं, तो इन दो पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस में डीपी मान लेता हूं, क्लियर। x को अगर मैं dx इंक्रीमेंट करता हूं, x में इंक्रीमेंट कितना करता हूं dx, तो प्रेशर में डिक्रीमेंट आएगा, इंक्रीमेंट नहीं आएगा,
डिक्रीमेंट, घटेगा, ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा, क्योंकि एच हाइट के अलोंग नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है. तो मुझे लिखना चाहिए नाउ दिस एक्स हाइट एट दिस एक्स हाइट प्रेशर डिफरेंस, एट दिस एक्स हाइट प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस डी एक्स, इस प्रकार से लिखा जाएगा. ये डिफरेंस है माइनस डीपी, क्योंकि ऊपर जा रहा हूं, एक्स में इंक्रीमेंट कर रहा हूं कितना डीएक्स. क्लियर? वो कैसे आएगा? इस स्टेट पर डेंसिटी, इस स्टेट पर जी इंटू डीएक्स. बेसिक डेफिनेशन रो जी एच, समझे ना? प्रेशर डिक्रीमेंट, ऊपर जा रहा हूं ना तो प्रेशर डिक्रीमेंट क्या आएगा? रो जी डीएक्स. नीचे जाता तो क्या आता? इंक्रीमेंट आता. और वो क्या होता है? रो जी, वो हाइट, कॉन्स्टेंट डेंसिटी, और यहां कॉन्स्टेंट डेंसिटी में मान सकता हूं. तो माइनस डीपी बराबर रो एक्स जी डी एक्स आया. हेयर जी इज कॉन्स्टेंट, ये मुझे मानना चाहिए कि हाइट के साथ जी वेरी नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में बोला जाएगा आपको. क्लियर? अब रो एक्स की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर देते हैं, तो माइनस डीपी बराबर जो आपके पास आएगा वो आएगा पी एक्स एम बाय आर टी इंटू जी इंटू डी एक्स. क्लियर? अब देखो इसमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कौन कौन है? पी वेरिएबल है, क्योंकि पी वेरिएबल है, समझना, एक्स साइड के साथ यही तो कैलकुलेट करना चाहता हूं मैं. एम मीन मोलर मास ऑफ द एयर, जी कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. अब टेम्परेचर के लिए भी वो शब्द यूज करता है, एज्यूम द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द हाइट, पूरे एटमोसफेयर में टेम्परेचर आपको कॉन्स्टेंट मानना है. क्लियर? लिख देता हूं यहां, एज्यूम टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एटमोसफेयर. क्लियर? अब यहां इंटीग्रेशन का साइन हम लगा सकते हैं. नहीं नहीं, इस पी एक्स को यहां लेके हम इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं. पी एक्स पी के पास आएगा, अब इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं. अब इंटीग्रेशन के लिए ये क्या है? डीपी बाई पी एल एन पी माइनस एम जी आर टी कॉन्स्टेंट, एम जी आर टी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन किसका आएगा? डी एक्स का. और वो क्या आएगा? एक्स. इसमें हम क्या लगाते हैं? लिमिट. एक्स की लिमिट यानी कहां से कहां तक? आर ई. एक्स कहां से मेजर किया मैंने? यहां से मेजर किया है, तो मुझे लिखना चाहिए जीरो. एक्स बराबर जीरो पर प्रेशर मान लेता हूं एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नॉट. अब एक्स की एच वैल्यू पर, एच हाइट पर प्रेशर पी एच. तो यहां लिमिट लगेगी पी नॉट से लेके पी एच, और यहां लिमिट लगेगी जीरो से लेके एच. अब इसमें एल एन, पहले एच आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी नॉट आएगा. तो पी नॉट बाई पी एच बराबर एम जी एच माइनस जीरो एच बाय आर टी, ये आया. अब मैं माइनस लगाता हूं तो इसको एच ऊपर कर सकता हूं, नीचे कर सकता हूं. अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं, इस माइनस को इधर पहुंचा देते हैं और फिर एंटी लॉग ले लेते हैं. वो क्या आएगा? पी एच बाय पी नॉट ई टू दी पावर माइनस एम जी एच बाय आर टी. तो बेटा फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आता है वो आता है पी नॉट ई टू दी पावर माइनस एम जी एच बाय आर टी. ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है. क्लियर? इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में भी समझ सकते हो और एक नया आर्टिकल भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर एट द हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये आप लिख सकते हो. क्लियर? तो ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे. क्लियर? हमने लास्ट आर्टिकल में कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर किया था, उसमें जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया था वो था P बराबर 1/3 रो
वी आर एम एस स्क्वायर। यहां तक हम आ चुके हैं केटीजी में, क्लियर। अब इसके बाद नया आर्टिकल जो आएगा वो आएगा डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज ऑफ आइडियल गैस। देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं, कोई नाम है इसका ए। अब इस इक्वेशन से किस प्रकार से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी की बात करते हैं, देखो। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते हैं, इसलिए उनके बीच कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं होती है, जिसका दूसरा नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। समझे ना, कोई फील्ड नहीं होता है कि एक एटम का कोई फील्ड होगा वो दूसरे पर फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से एक फील्ड जनरेट होता है, क्लियर। फील्ड की वजह से ही एक टर्म हमने आपको मैकेनिक्स में समझाया था जिसका नाम होता है, लेट मी रिमेंबर, कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से वहां एनर्जी स्टोर हो जाती है सिस्टम के किसी कॉन्फ़िगरेशन में और वर्क करने की टेंडेंसी आ जाती है उस कॉन्फ़िगरेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इस प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी यहां गैस, आइडियल गैस में नहीं होती है। इसका मतलब अगर गैस की एनर्जी की बात किया जाए तो वो सिर्फ किसकी बात की जा रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। समझ में आई कहानी, हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहां बात कर रहे हैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट टाइप से क्या मतलब है, डिफरेंट टाइप, फिर टाइप से क्या मतलब है, डिफरेंट टाइप से मतलब है कि अगर आपको एक मोल की पूछा जाए, यूनिट वॉल्यूम की पूछा जाए, एक मॉलिक्यूल की पूछा जाए, एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, तो उनके फॉर्मूले किस प्रकार से डराइव किए जाते हैं वो मैं आपको यहां बताऊंगा, क्लियर। ये है डिफरेंट टाइप से मतलब, अदरवाइज एक ही टाइप की एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। यहां डिफरेंट से मतलब सिर्फ है कि एन मोल, एक मोल, एक मॉलिक्यूल, इससे मतलब है इस डिफरेंट से। तो अब मैं बाय इक्वेशन थर्ड, सॉरी ए, बाय इक्वेशन ए, अब इक्वेशन ए जो है उसको देखो, पी बराबर 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर लिखा हुआ है। ये रो क्या होता है, रो होता है मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर पी, क्लियर। अब इस वी को यदि इधर लेके आता हूं तो पी वी बराबर 1/3, और इस थ्री को भी इधर लेके आता हूं 3, इधर क्या बचेगा, मास वी आर एम एस का स्क्वायर, क्लियर। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो गैस का मास 1/2 वी आर एम एस स्क्वायर, ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, ये क्या है, ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। वी आर एम एस क्या है, ये मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं। तो इसका मतलब यदि गैस में प्रेशर पी और उसका वॉल्यूम वी है तो उस गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी 3PV/2 से कैलकुलेट की जा सकती है, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3PV/2, पीवी क्या है, एनआरटी, पीवी को एनआरटी लिख सकता हूं मैं, तो 3/2 एन आर टी, यानी एक गैस जिसका प्रेशर पी वॉल्यूम वी है तो उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी 3PV/2 होगी, या अगर एक गैस जिसमें एन मोल है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 3/2 एन आर टी, यही तो दर्शाती है ये बात, ये क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी, और वो किसके बराबर आ रहा है, 3/2 एन आर टी, एन क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल। तो इसका मतलब मेरे समझ में एक बात आती है कि एन मोल आइडियल गैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी यदि उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टी है तो 3/2 एन आर टी होती है,
तो अब मैं ये बात यहां लिख देता हूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल की कितना आएगी, 3/2 एन आर टी। ये हमें यहां से इंफॉर्मेशन पता चलती है। अब इसके बाद ना काइनेटिक एनर्जी, ये जो 3/2 एन आर टी आया, इस एन को और मैं किस प्रकार से चेंज कर सकता हूं, इस एन को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 3/2 एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। समझाया था आपको मैंने, समझे? ये मैंने वहां समझाया था आपको जहां मैंने बताया था डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है आर टी। अब ये क्या आया, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2, अलग अलग फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले लोग याद रखते हैं, ये एन मोल की काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं आपको कुछ दूसरा बताने जा रहा हूं, 3/2 एन आर बाई एन नोट, इसका नाम क्या होता है, बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट इंटू टी। तो नई फॉर्म हमारे पास जो आती है वो है 3/2 एन के टी, ये आती है नई फॉर्म। समझ में आई कहानी, क्लियर? अब इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये जो एनर्जी आएगी ये आएगी एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। अगर ये मुझे बोला गया था कि एक गैस में प्रेशर पी वॉल्यूम वी है तो काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो ये फॉर्म याद करूंगा, इस फॉर्म को यूज करूंगा। टेम्परेचर टी है, मोल एन है, बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 3/2 एन आर टी। अगर एक गैस का टेम्परेचर इतना है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं, तो ये वाली फॉर्म याद करेंगे, क्लियर? इससे आंसर देंगे। अब और क्या क्या लिखा जा सकता है इसको, इफ एन इज इक्वल टू वन, यदि एक ही मॉलिक्यूल है तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 केटी आ जाएगी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आई कहानी? अब इसके बाद एक टर्म और होता है, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये भी मैंने देखा है कि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये क्या है, यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी। अब जरा इस फॉर्म को देखो, इस फॉर्म को कहां है, ये वाली फॉर्म, वी नो ये वाली फॉर्म, 3PV/2 इज इक्वल टू 1/2 डब्ल्यू वी आर एम एस स्क्वायर, ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, क्लियर? यहां से अगर मैं इस V को नीचे लिख दूं, ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से P 3/2 को लिखा जा सकता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन V नीचे। अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर आया, 3P/2। इसका मतलब यदि किसी गैस का मुझे प्रेशर पता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी पता है कितनी, 3P/2, ये याद रखेंगे आप, क्लियर? तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर हम और बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय।